सो हे एवरीवन, स्टार्टिंग द व्लॉग एट 4:22। 3 बजे उठे हुए सो गए अनफॉर्चुनेटली, एंड रात को काम कर रही थी। कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि नेट स्लो था, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस चैनल की भी बनाएंगे, इधर की भी बनाएंगे, मेरी कॉलेज की असाइनमेंट भी बनाएंगे, मेरे कॉलेज के लिए पढ़ेंगे भी और लोगों को तंग भी करेंगे। आज मेरा मन है मैं अपनी एक फेवरेट शर्ट पालूं, सो ढूंढते हैं कुछ अच्छा सा पाने के लिए। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो फाइनली मम्मी सो रही है, तो आज का ब्रेकफास्ट मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। 3 बजे ब्रेकफास्ट नहीं कहते इसको, ब्रंच है। ज्यादा मत बोल, तू आटा निकालते हैं, खुद फुलके बना के देखते हैं। बहुत रेयर सीन होता है मेरे घर में। आता है, मेरे को दादी ने मेरे को सिखाया था पहली बार, तो चूल्हा चौका ते बेला चकना ते ओवन में तो सब्जियां डाल दिया है मैंने, मेरे को क्या करना है, मेरे को रोटी बनानी है। रोटी बनानी इतनी टफ थोड़ी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर कि ये मैं बना लूँगी आज। फुलके तो मैं बना ही लूँगी, तो एक बार ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। चलो सोना, पहली रोटी ना मैंने चढ़ा दिया तवे पे, एहरी मतलब गोल तो नहीं बनी एग्जैक्ट, बट किसी के भी गोल नहीं बनते यार। कहने की बात होती है प्लेट रख के गोल गोल बना दो, वो बकवास सारी बातें होती है, नहीं हो सकती। मेरे को ना दादी ने सिखाई थी रोटी बनानी और मैं कभी बनाती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बनाने लग गई तो मेरे से बनवाने लग जाएंगे। तो ये मैंने बनानी दादी से सीखी थी, एंड नाउ कि आज मैं खुद बना रही हूँ अपने लिए, अच्छी बात है। दादी हमेशा कहती थी सुख दुख में बनानी पड़ जाए, उनके लिए बनानी पड़ जाए, बट सही है। पहली का तो पता नहीं, दूसरी रोटी ना बड़ी गोल बनी है, देखो ये वाली बिल्कुल परफेक्ट गोल बनी है। मतलब दादी होती तो खुशी हो जाती है, पहली अच्छी बन गई, देखते दूजी की भी बनती है। चढ़ा दिया हमने ये हमारी सब्जियाँ, इनको थोड़ा और घुमा देते हैं अंदर। चलो भाई अब हम देखते हैं क्या ये रोटी फूलेगी। फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा, इधर से भी फूल जा, फूल गई, फूल रही है भाई, फूल रही है, मतलब अच्छी बनी है। फाइनली माई ब्रंच इज़ रेडी। दो रोटी, ये राजमा, ये मिक्स वेज, ये रायता, और ये मैंने खुद बनाई है रोटी, तो आई विश मुझे मेरी बनाई हुई अच्छी लगे। चम्मच रख देते हैं अच्छे, सब बंद है, चेक करना। मेरे को बड़ा वहम होता है कि गैस बंद है या नहीं, मैं बार बार चेक करने आ जाती हूँ, बंद ही है। मम्मी को दिखाते हैं पहले, तो बन गई है ये, देखो मैंने खुद बनाई है। फुलके देखो मेरे, ठीक है सॉरी, हो जाओ, देख बना ली मैंने। नीचे कर, दूसरी वाली सही है, पहली वाली नहीं अच्छी। दूसरी वाली गोल बनी है, पहली वाली गोल बनी नहीं थी, फूली भी नहीं हुई पहली। चल फूली हुई है वो, तो इतनी देर की बना के रख दी थी क्योंकि दूसरी वाली पे टाइम वेस्ट कर रही थी मैं। चल तू क्या, तेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं यही भी बना के ले आऊंगी? मेरे को तो याद है तूने मेरे को चाय भी लाई थी सबसे पहले, एकदम ऐसे जैसे जहर पी रही हो, इतनी कड़वी। वो मेरी फर्स्ट चाय थी, उसके बाद ना मैंने बहुत अच्छी बनानी शुरू कर दी। अरे मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, जिन जिन्होंने मेरे हाथ की चाय पी रखी है ना उनको पता होगा। हाँ, स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं ना जैसे वो। और ये लड़की मेरी छोटी बहन है ये ना, मतलब आरती हीरे ना, आज से पहले मैंने कभी इसके बारे में बताया नहीं, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जाके। पहली चीज तो ये, इसको सब आता बनाना, ये ना परौंठी वौंठी रोटी वोटी सब अच्छी बनाती है, और मेरे को ये चीज़ आती नहीं है। मेरे को गंद वंद बनाना अच्छा आता है, इसको गंद बनाना अच्छा नहीं आता, इसको सिर्फ गंद खाना अच्छे तरीके से आता है। प्रोजेक्ट बनाओ या छोड़ दो? नहीं यार बना बना, चल जा रही हूँ मैं, नहाने वाने जा रही हूँ, मैंने खाना वाना खा लिया, वो तो बस टाइम में बता दे। 5 बजने वाले हैं, 5:15 पे चाय बनानी है मैंने सबके लिए। दिन 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 इतनी अच्छी बहन है ना, सबको दे 5 रुपये हर पेपर पर। मैं आपको ये लोग बता दूँ इनसाइड स्टोरी, एक सेकेंड। अकॉर्डिंग टू माई छोटी सिस्टर ए कहती पई है कि ये मेरे से 5 रुपये हर पेपर का लेगी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल फाइल बना रही है। ये है बहन, छोटी छोटी बहन है,
जो कहते हैं ना छोटी बहनें प्यार करती हैं, अच्छी होती है, मासूम होती है, मेरे पापा इसको मासूम मासूम कहते हैं, ये है मासूम। तरह के प्रोजेक्ट बना ला, छोड़ दो, 5 रुपए दे तो रही हूँ पेपर के, 1000 ले लू मैं एक बारी में। पूरी शराफत से तेरे लिए काम कर रही हूँ, बकवास कर रही है। फाइनली अभी ना खाना वाना खा लिया। अब खाना वाना खाने के बाद ना मुझे आज ना एक खाने की याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने कॉलेज के काम से गई थी दिल्ली, मतलब अपना प्रोफेशनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट के काम से। तो वहाँ पे आते टाइम ना हमने रास्ते में जनकपुरी में कैफे का खाना खाया था, द ग्रब कंपनी नाम का, तो वो बहुत अच्छा था। लाइक उसका मोमोज वाला पिज़्ज़ा बहुत ही डिफरेंट और यूनिक था, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ सोनीपत में ऐसा नहीं मिलता अभी, और वहाँ के फ्राइज़ भी अच्छे थे, और मेरी बहन को उधर का ओरियो शेक और पिज़्ज़ा अच्छा लगा था। इसने तो यूँ जो चटके चटके मार के खाया था ना, इसने जैसे खाया उसके बाद इसने जो चटके मारे थे ना ऊपर से, इसने दूसरी बार ओरियो शेक पिया था और इसको अच्छा भी लगा था। इसको एक्चुअली ये ना मोमोज की शौकीन है, तो इसको जब मोमोज पिज्जा मिला तो ओहो पागल ही हो गई थी ये। आई नीड समबडी हु कैन लव मी एट माय वर्स्ट। इतनी अच्छी बहन है। तुझे कैसा लगा था? अच्छा था, मजा आया था। हाँ। चल अच्छी बात है, मेरी फाइल बना रही है तो जाते हैं। मैं अभी मैंने असाइनमेंट बनानी है, पीडीएफ बनानी है, पीपीटी बनानी है, वीडियो बनानी है, 2-3 लोगों के काम जो संभाल रही हूँ वो संभालने हैं। इतना बोझ है नन्हे से कंधों पे। बेटी आई है अभी तक, कैसे कैसी है? मैं कहता चाय बना के जाऊँ, दादा को नीचे चाय देनी है, उसके बाद फिर शुभम दादा आरती शायद पिए ना पिए, मम्मी को नींबू पानी बना के देना है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, उसके बाद हम करेंगे अपना काम। ये बन रही है साड़ी चाय, अच्छी बनाती हूँ मैं चाय वैसे, सारी चीज़ें डाल डाल के। ये हो रहे हैं फ़ैन गरम, दादा और शुभम को फ़ैन पसंद है ज़्यादा। फाइनली नहा धो लिए, और ना ये वाली ना मेरी फेवरेट शर्ट है, लाइक की ये मुझे बड़ी पसंद है। मेरे पास वाइट कलर की कभी कोई थी नहीं, और ये मेरे को गिफ्ट मिली थी, तो फिर मैंने वाइट कलर मुझे पहनना पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों, वाइट और येलो। बट फिर मेरे पास सिर्फ इकलौती यही है जो मैं पहनती हूँ, वाइट वाली। अरे ये पहन के ना सारे काम बन जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट अच्छी है ये टी शर्ट, पता नहीं क्या मैजिक है कि पुठे काम भी सीधे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है पा के। मतलब ये मैंने बिल्कुल अलग से, इसकी तो अलमारी में सारे कपड़े मैसी हैं, पर ये वाली कभी आराम से साइड में आराम से देखेगी, अच्छी है ये, लाइक सिंपल सॉबर और प्यारी। नहीं मुझे एक्चुअली गिफ्ट भी मिली थी, मे बी मैं ना उसके उस चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, मंडे को कर दूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ खुद को भी चाहिए होता है एक थोड़ा सा ब्रेक। और इस चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, और मेरे को कॉलेज का काम करना है, तो मैं चाहती हूँ पहले वो काम कर लूँ ताकि उन वीडियोज़ के बीच में कोई रुकावट ना आए। और आई होप ये वाली शॉर्ट अच्छी लग रही होगी, ये प्यारी है, मैनू अच्छी लगती है सबसे दिल के करीब, तो स्पेशली मुझे आज ही पानी, मैंने रात को सोच रहा था आज तो यही पाऊंगी, और आज व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि कल कोई व्लॉग बना नहीं पाई थी। सो चलते हैं आगे, नहा धो लिए, अब थोड़ा काम वाम करेंगे, सिरम विरम लगाया भी बालों में, मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले स्मूथनिंग कराई थी, देखेगी आरती। मम्मी बुला रही हैं। काम शुरू करने से पहले हमें मंदिर का पाठ करना होगा, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब है, आरती काम कर रही है, जोत वोत जलाते हैं, शाम का पाठ शुरू करते हैं। कितना लकी रहा है, मैंने कहा था ना सारे पुट्ठे काम बन जाते, मैं इतने दिन से पाठ पाठ नहीं कर रही थी, अब मैंने आज लाइक शाम को नहीं वो कर पा रहा था, आज मैंने ऐप आई फैमिली ब्लेसिंग, मैंने गाई था ब्लेसिंग है।
बच्चे आ गए हैं तो बच्चे ना मेरी मासी की बेटी है इन्हें डिस्टर्ब कर दिया है, इसको मेकअप करा लो फिर लैपटॉप ले लो, ये लैपटॉप पर भी लगी हुई है। यहाँ हम दोनों मिलकर असाइनमेंट कर रहे हैं मेरी, और ऊपर से मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने ना चश्मा पता नहीं कहाँ गुम कर दिया, और मेरी बहन चश्मा ढूंढेगी अभी मेरा। रामू काका पैदा नहीं करा मेरे माँ बाप ने, तेरा या पर्सनल असिस्टेंट पैदा नहीं किया, पहले मेरे को गेट जला कर दो। तू निकल जा इरिटेटिंग बच्ची, आप निकल जाओ। किधर जाऊं? इधर आ चला के तू, इधर आ शनाया, ये तो टिक्के बैठ जाएगी, इसको चला के दे देते हैं। अगर तेरा लैपटॉप चलाया एक शर्त पे तू मेरे को मोमोज खिलाएगी। तेरा क्या आ रहा है? क्या क्या खरीद रही है तू? एप्पल टैब, एप्पल का टैब खरीदेगी? देख 7 साल की बच्ची को एप्पल का टैब मिल रहा है, रुक जाओ ना। और क्या कहते हैं, क्या करेगी उसमें? गेम खेलूंगी, यूट्यूब। अच्छा यूट्यूब चलाएगी, बड़े होगी क्या बनेगी तू? जनानी। मम्मी को दिखाई आपने? अच्छा तो लग रहा है, काला कलर है, भी कह रहे थे घटिया लगेगा, यही घटिया लग रहा है पेड़ जो निकला हुआ। सो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे। आज ना मैंने अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स करी हैं, फिर मुझे अपने कॉलेज जाना है, फिर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस भी बनानी है, मेरे को बड़ा सारा काम करना है। आज मैंने इतनी सारी असाइनमेंट बनाई है, एक दिन में भेजनी है, कुछ असाइनमेंट अभी भेज दिए, कुछ असाइनमेंट ग्रुप में कल भेजनी है, और कल चेक कराने जाना है, सुबह उठते ही जल्दी उठना पड़ेगा। उसके बाद मुझे DM के भी वर्क करना है, कल से डिजिटल मार्केटिंग की भी वीडियोस पे कॉन्सटेंट हो जाना है। एंड आज का दिन मैंने कही था ये टी शर्ट पहनी है लकी, आज का दिन मैंने पहना, आज आज के दिन में मैंने अपने कॉलेज की सारी असाइनमेंट्स कवर कर दी हैं, तभी मैंने कहा था सारे काम बन जाते हैं, सारे पुट्ठे काम बन जाते हैं मेरे एनु पा के। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।